खरगोन के कृषि मंत्री रहे कसरावत विधायक सचिन यादव ने आज बुधवार को अपने निर्वाचन क्षेत्र कसरावत के विकास खंड भीकन गांव के अधूरे मार्ग मछल गांव से सहेजला को पूरा कराने के लिए ग्रामीणों के साथ कलेक्टर शिवराज सिंह वर्मा से मुलाकात की। यादव और ग्रामीणों ने कलेक्टर से अनुरोध किया कि इस महत्वपूर्ण मार्ग को यथाशीघ्र पूरा कराया जाए। विधायक यादव ने कलेक्टर को बताया कि यह मार्ग स्वीकृत होकर वर्तमान में अधूरा है, इसके कारण ग्रामीणों और अन्य राहगीरों को आवागमन में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। यादव ने कलेक्टर को अपनी ओर से सौंपे ज्ञापन पत्र में लिखा कि लोक निर्माण विभाग द्वारा स्वीकृत ग्राम मछल गांव से सहेजला मार्ग की कुल लंबाई 2.30 किलोमीटर है। वर्तमान में 1.80 किलोमीटर डामरीकृत मार्ग निर्मित हुआ है। ग्रामीणों द्वारा पिछले 9 वर्ष से अधिक समय से अधूरे पड़े मार्ग के निर्माण की मांग की जाती रही है। इस संबंध में मेरे द्वारा लगातार पत्राचार किया जा रहा है। परिणाम स्वरूप 14 फरवरी 2023 को उक्त मार्ग की स्वीकृति सचिव मध्य प्रदेश शासन लोक निर्माण विभाग द्वारा 0.86 किलोमीटर राशि 91.24 लाख की प्रदान भी की गई। इस मार्ग के निर्माण के लिए पटवारी हल्का नंबर 22 ग्राम सहेजला तहसील भीकन गांव के 3 किसानों की निजी भूमि चिन्हित की गई है। इस मार्ग के निर्माण के लिए 3 किसानों में से 2 किसानों द्वारा सहमति प्रदान की गई है, परंतु 1 किसान द्वारा सहमति नहीं देने के कारण यह सड़क पूरी बन नहीं पा रही है। इस अधूरे मार्ग के कारण ग्रामीण और अन्य राहगीर प्रतिदिन 2 से 3 किलोमीटर घूमकर ग्राम में आवागमन कर रहे हैं। ग्रामीणों ने तत्काल इस मार्ग निर्माण को पूरा करने की मांग की है। देखिए, विगत 20 वर्षों से इस गुंगी और बहरी सरकार के सामने हमारे सेवा सरकारी सोसाइटी के हमारे जो तमाम कर्मचारी साथी हैं अपनी मांगों को लेकर के लगातार संघर्ष कर रहे हैं, लगातार आंदोलन कर रहे हैं, लेकिन ये सरकार ना तो उनकी बातों की तरफ किसी प्रकार का ध्यान दे रही है और ना ही उनकी समस्याओं पर निराकरण किस प्रकार से वो इस दिशा में कोई पहल सरकार के द्वारा किया जा रहा है। और यही कारण है कि लगातार हमारे जो किसान साथी उनको मजबूर होकर के जो है यहाँ पर आंदोलन उनको करना पड़ रहा है। आज हम सभी साथी उनके बीच में यहाँ पर आए हैं और हमने उनको आश्वस्त किया है कि हमारी सरकार बनने के बाद हम इनकी जो तमाम मांगे हैं उन तमाम मांगों को हमारे नेता आदरणीय कमलनाथ जी के साथ में बैठ करके उन सभी समस्याओं को का निराकरण किस प्रकार से हो, हमारे कर्म जो सेवा सरकारी सोसाइटी जो कर्मचारी साथी हैं उनकी हितों की रक्षा कैसे हो, इस दिशा में हम तमाम साथी मिलकर के कोशिश और प्रयास करेंगे। और स्थानीय स्तर पर जो भी हमारे साथियों से हो पाएगा हम करेंगे। हमारे नेता आदरणीय अरुण यादव जी के साथ बैठ करके भी हम चर्चा करेंगे, विचार विमर्श करेंगे और ये प्रयास करेंगे कि हमारे जो सेवा सरकारी सोसाइटी जो कि सीधे हमारे प्रदेश के 75% जो आबादी है, हमारे जो किसान साथी हैं, मजदूर साथी हैं, उनसे जुड़ी हुई संस्था हैं, ये जो शासन की जो महत्वपूर्ण योजना है उनका क्रियान्वयन करने की जिम्मेदारी जो हमारे सेवा सरकारी सोसाइटी के साथियों की है। कसरावत तहसील से अबरार पठान की रिपोर्ट।